विदिशा के श्री हरि वृद्ध आश्रम में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर ने 2 लाख रुपए कीमत की आधुनिक रोटी बनाने की मशीन का लोकार्पण किया गया। लंदन से आए सनराइजर्स स्कूल विदिशा के संचालक और वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के श्रवण कुमार माने जाने वाले डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा आधुनिक तकनीक और संसाधनों से तैयार कराए जा रहे सुमन कक्ष का लोकार्पण किया गया। इस कक्ष के पहले चरण में डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा भेंट की गई 75 इंची अत्याधुनिक गूगल LED टीवी लोकार्पण हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शशांक भार्गव, विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा की गरिमामय मंचासीन उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रोटी बनाने की मशीन हेतु 1 लाख रुपए का दान देने वाले वरिष्ठ समाज सेवी रोशन लाल अरोरा सहित सभी दानवीरों का सम्मान किया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कार्य यहाँ पे किया है, वृद्धाश्रम में कई वृद्ध लोग रहते हैं जिन्हें खाना बनाने में बहुत समस्या आ रही थी, तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ रोटेरियन सभी मेंबर्स को जिन्होंने। आपका परिचय बताइए। इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरि वृद्धाश्रम। आज जो श्री हरि वृद्धाश्रम में कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसका बताएं। आज श्री हरि वृद्धाश्रम में रोटरी क्लब के द्वारा एक रोटी की मशीन दी गई है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। यहाँ पर 55 से 60 बुजुर्ग रहते हैं। इतने सारे बुजुर्गों की व्यवस्था बनाने में यहाँ पर परेशानी होती थी, अब ये जो रोटी की मशीन है इससे बड़ी आसानी से 40 मिनट में इतने बुजुर्गों के लिए रोटी आराम से बन जाती हैं। आप रोटी क्लब वालों क्या, ये रोटरी क्लब वालों का ये पहला सहयोग नहीं है कि उन्होंने रोटी की मशीन देकर, इसके पहले भी उन्होंने अनेक प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, सुविधाएं प्रदान की हैं। हम उन्हें इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर जो रोटी की जो सुविधाएं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं यहाँ प्रदान करते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद। मैं रोटेरियन चंद्रमोहन अग्रवाल और रोटरी ग्रेटर विदिशा ट्रस्ट का सचिव हूँ। आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कौन सी जगह है और क्या कार्यक्रम बताएं? ये हरिवृद्ध आश्रम की जगह है और यहाँ रोटेरियन साथियों के सहयोग से रोटी बनाने मशीन का पूरा सेटअप, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए है, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। ये मशीन जो है 1 घंटे में 10 किलो आटे का पूरा आटा उसलना, लोई बनाना और रोटी बनना 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देती है। मैं सुरेश मोतियानी, रोटरी ग्रेटर ट्रस्ट का अध्यक्ष। काफ़ी दिनों से हम अपने साथियों का बर्थडे, अपने परिवार का बर्थडे, अपने मिलने वालों का बर्थडे यहाँ मनाते हैं और इन बुजुर्ग साथियों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। काफ़ी दिन से एक पीड़ा थी कि वो रोटी लोई बनाना, रोटियाँ बनाना, आटा गूंदना, इन सबों में काफ़ी समय लगता था और कभी कभी जैसे लेबर की प्रॉब्लम होती थी तो हम बड़े परेशान होते थे। तो हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि भाई अपन रोटी बनाने की मशीन यहाँ पर रखेंगे और एक बर्थडे के दिन ये सब तय हुआ और वहाँ हमारे साथियों ने, रोटरी क्लब के, रोटरी ग्रेटर के और हमारे व्यापारी साथियों ने मिलकर करीब 2 लाख रुपए का इकट्ठे करके और इसको ऑर्डर लगाया। वो मशीनों के ट्रायल बेस करी, हमारे 14 साथी वहाँ गए और वो मशीन आज यहाँ पर आ चुकी है, जिसका आज लोकार्पण हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है इस चीज़ की कि शहर में दानदाताओं की लिस्ट में रोटरी ग्रेटर का नाम भी कहीं ना कहीं रहे, क्योंकि हमारा जो प्रेरणा है वो हमारी रोटरी ग्रेटर है, हमारा क्लब है। उन सब साथियों की मदद से मैं उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ पे अपना मुक्त से दान कर और हमें रोटरी की मशीन में हमारा सहयोग किया। ईश्वर उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी मेरी भावना है। कभी आज तक कोई शिकायत किसी बुजुर्ग जो यहाँ रहते हैं उनने नहीं की, बहुत, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा देना बड़ा आसान बात है, ये सब दे देते हैं, लेकिन समय देना बहुत कठिन काम है। और ये दोनों हमारे दंपति 24 घंटे यहाँ वृद्धों की सेवा करते हैं और उनसे आशीर्वाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।